ऐसे बिहार सरकार चलती है, ऐसे प्रशासन चलता है। बिहार पुलिस का काम है जांच करना। वो बिहारी मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से दूसरे राज्यों में गए, कोई शौक से नहीं गया तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में, आपकी गलत नीतियों की वजह से पलायन करने के लिए मजबूर है। और आज जब वहां पर उनको मारा जा रहा है तो आप खामोश बैठे हैं। और तो और इनकी सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री वहां पर जाकर बर्थडे का केक काटने की फुर्सत है उन लोगों के पास, और उसी दिन वहां पर हत्याएं हो रही हैं। एक बार इन्होंने वहां पर बिहारियों से मिलना जरूरी नहीं समझा, वास्तु स्थिति की जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा, और बिहार के सदन में खड़े होकर क्या बोलते हैं, भ्रामक खबरें। एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूं भ्रामक खबरें, तो क्या ये भी जांच का विषय नहीं बनता कि कौन ऐसे असामाजिक तत्व है जो भारत की एकता और अखंडता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिवाइड पैदा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, हिंदी भाषी तमिल भाषी के बीच में अलगाववाद पैदा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये भाई? और अगर उसमें से कोई एक भी तस्वीर एक भी वीडियो सही है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो लापरवाही से मुख्यमंत्री ने बयान दिया, इनकी सरकार इनके अधिकारियों ने बयान दिया, ये इनके अहंकार को दर्शाता, और वही अहंकार इनको तीसरे नंबर पर ले आया। वो दिन दूर नहीं, तो ही जब जानकारी अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए, वो टीम जा रही है और जाकर के एक चीज को देखेगी। अरे भाजपा पार्टी पूरे देश में देश को जलाना चाहता है, अफवाह फैलाता है। जो तमिलनाडु में हुआ था घटना कि बिहारी लोग का पीटा गया है, वो गलत बात है, वैसा कांड होइबे नहीं किया। वो आपूस का लड़ाई वो लोग के था, आपूस का लड़ाई वो लोग किया था, सरकार नहीं पिटवाया था वहाँ के। आज जो तेजस्वी गए थे मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, तब एक उप मुख्यमंत्री के जाना फर्ज है, गया था बदनाम वो लोग को बदनाम कर रहे हैं लोग, तो बिहार के बदनाम कर रहा है बीजेपी। अब पूरा देश को जला दिया, आपका चाहिए पूरा देश को तो बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, क्या बाकी है देश में? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल दल के एक टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने मांग किया कि तमिलनाडु में जो घटना घट रही है और जो फोन आ रहे हैं, ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए, एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें, और हमारे जो बिहार के श्रमिक हैं, युवा हैं, उनको सुरक्षित लाने की व्यवस्था बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाए और उन्होंने कहा कि इसको संज्ञान में लेकर कल एक टीम तमिलनाडु जाएगी और वो वहाँ पर से जो लौटना चाहते हैं, और इस तरह की विषय को गंभीरता से लेके उन्होंने कहा कि हम वहाँ की सरकार से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि बिहार का जो भी हमारे बच्चे हैं वो अपने को भयभीत महसूस कर रहे हैं, उसको स्वसम्मान रहने का और सुरक्षित आने की इच्छा है, तो आने की व्यवस्था में आपके पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठकर इसको संज्ञान में लेकर बातचीत करें, उन्होंने आश्वासन दिया है।